आरपी टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म खबर आपके सामने हाजिर है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, बड़ा ही मजा आता है टेक न्यूज देने में क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट इतना मिलता है। तो जल्दी से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं केवियर से। केवियर ब्रांड स्मार्टफोन के कस्टमाइज लग्जरियस वेरियंट बनाने के लिए दुनिया भर में फेमस है। केवियर अब आईफोन के प्रो मॉडल्स यानी कि आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स की कस्टम सीरीज लेकर आया है। क्या आप उसका लुक देखना चाहोगे? चाहोगे देखना? जी हाँ, दिखाता हूँ। आईफोन प्रो मॉडल्स को इस बार कोस्मोग्राफ डेटोना रोलेक्स वॉच के साथ लॉन्च किया गया और ये वॉच सीधे आईफोन 14 प्रो मैक्स पर एम्बेडेड है। रोलेक्स घड़ी के साथ नए आईफोन 14 प्रो मैक्स की केवल 3 यूनिट बनाई गई है। केवियर ने हर आईफोन में एक जटिल मैकेनिकल क्रोनोग्राफ दिया है। उसमें 40 mm डायल, येल्लो, गोल्ड और 8 हीरे लगाए गए। फोन में टाइटेनियम से बनी मल्टी लेयर कैश बॉडी एंड ब्लैक प्यूरी कोटिंग भी की गई है। डेटोना आईफोन 14 प्रो के 128 GB वाले वेरिएंट की कीमत $1,33,670 और आईफोन 14 प्रो मैक्स के 1 TB वाले वेरिएंट की कीमत $1,35,420। ये ग्लोबली बेचे जाएंगे। केवियर की वेबसाइट पर ये मॉडल अपडेट हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन दोस्तों, ये फोन हमारे हाथ में हो तो कैसा लगेगा? छोड़ो यार, बहुत ज्यादा सोच लिया। न्यू केवियर डिजाइन वाले आईफोन 14 सीरीज के वेरिएंट आपको कैसे लगे, आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर से बताएं। भारत में इस समय करीब 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स है और उसमें से 10 करोड़ 5G रेडी स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं और 35 करोड़ यूजर्स के पास 3G एंड 4G कंपेटेबल स्मार्टफोन है। इसलिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने कहा है कि अगले 3 महीने में 5G मोबाइल्स के लिए 5G सॉफ्टवेयर की अपडेट रिलीज करें। स्मार्टफोन बनाने वाले सभी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि वो 5G टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो धीरे धीरे हम 10,000 रुपीज और उससे ज्यादा के 4G स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को हम बंद कर दें। काफी अच्छा लगता है कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अपनाने से हम पीछे नहीं हटते। दोस्तों, आपके पास क्या 5G रेडी फोन अवेलेबल है या 3G या 4G फोन यूज करते हो, आप नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। रिलायंस जियो ने दिया यूजर्स को झटका। जी हाँ, रिलायंस जियो की 5G इंटरनेट सर्विस शुरू होते ही रिलायंस ने अपने 12 रिचार्ज प्लान को हटा दिया है अपनी वेबसाइट से और अपनी माई जियो ऐप से। ये सभी प्लान्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। जियो के 2 ही रिचार्ज प्लान बाकी रह गए जिनके साथ यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और वो दोनों प्लान्स काफी महंगे दोस्तों, जिसके साथ यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है। पहला प्लान है दोस्तों 1499 रुपए का, जिसमें आपको पर डे का 2 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा, यूज करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगा और जो प्लान की वैलिडिटी है वो 84 डेज की रहेगी। जबकि दूसरा प्लान 4199 रुपए का है, जिसमें आपको पर डे 3 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी और जो प्लान की वैलिडिटी है वो पूरे 1 साल तक की रहेगी। रिलायंस जियो ने अपने रेगुलर एंड एड ऑन डेटा प्लान को बंद करने के पीछे कोई भी कारण नहीं बताया है। आप मुझे बताएं कि आप जो जियो का रिचार्ज करते हो वो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ करते हो या रेगुलर रिचार्ज करते हो या फिर यूज ही नहीं करते हो, नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। SBI समेत बड़े बैंकों के 90 लाख कार्ड धारकों के डेटा लीक हुए। जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी के शोधकर्ताओं ने कहा 9 मिलियन से अधिक कार्ड धारकों के जो डेटा लीक हुए उसमें SBI के ग्राहक भी शामिल है। लूसीफर डार्क वेब साइबर फॉर्म पर एक खतरनाक हैकर 1.2 मिलियन डेटाबेस का जो डेटा है वो लीक कर रहा था तो उसको खोजा एंड बिडेन केस वेबसाइट पर भी 7.9 मिलियन डेटा लीक्स हुए थे, उसकी भी घटना सामने आई थी। इन डेटा लीक्स के पीछे उनकी प्रेरणा वेबसाइट पर अधिक से अधिक ट्रैफिक प्राप्त करना था एंड उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कायम रखना था। दोस्तों, अब ये कॉमन सी बात लगने लगी है कि डेटा जो है वो लीक्स हो जाता, अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हालांकि सतर्क रहना जरूरी है, कोई भी ऐसे वैसे वेबसाइट पर हमें जो कार्ड की डिटेल्स है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। इंडियन ब्रांड सोट ने एलीट 004 अपने एक नए TWS लॉन्च कर दिए है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो 10 mm के ड्राइवर, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, साथ ही साथ IPX4 की रेटिंग, एयरबड में 40 mAh एंड जो केस है उसमें 400 mAh की बैटरी दी गई है और प्राइस की बात करें तो 1,099 रुपए में लॉन्च किया गया है। इस TWS को आप Amazon के अलावा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप खरीद सकते हो। इसके अलावा इस रेंज में आप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी जा सकते हो। एप्पल ने चीन की जगह भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा कदम उठाया है और एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फॉस्कॉन कंपनी ने अपने चेन्नई प्लांट में आईफोन 14 सीरीज की असेंबलिंग भी शुरू कर दी। एप्पल के एनालिस्ट मिंग ची क्यो ने दावा किया है कि एप्पल अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए योजना कर रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एप्पल अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा
इंडिया में शिफ्ट करने वाला है और मैकबुक का प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग थाईलैंड में होने वाला है। भारत में बने आईफोन को ग्लोबली भी एक्सपोर्ट किया जाए और आईफोन असेंबलिंग बिजनेस के लिए उनकी तैयारी टाटा ग्रुप से पार्टनरशिप करने की है। देखते हैं दोस्तों पूरे आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कब से इंडिया में होना शुरू हो जाता है। गेमिंग की बात करें तो पोकेमॉन यूनाइट गेम जो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रही है और उसमें कल बहुत ही बड़ी अपडेट जो है पुश की गई है जिसमें न्यू सीजन की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ बैटल पास भी नया आ चुका है और जो बग्स वगैरह थे वो भी फिक्स कर चुके हैं। तो गेम खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला और साथ ही साथ एक क्लेफेबल नाम से एक मिली सपोर्टर पोकेमॉन भी इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको फिलहाल आप जेम्स के साथ परचेस कर सकते हो, बट थोड़ा वेट कर लो, एक वीक के बाद आप उसको एओस कॉइन से भी परचेस कर सकते हो। कॉन्फिडेंस की बात करें तो जिनको स्मार्ट वॉच लेनी और जिनका बजट थोड़ा टाइट है उन सभी के लिए कम प्राइस में अच्छे फीचर के साथ आने वाली डेजल प्लस स्मार्ट वॉच। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1.83 इंच की बॉर्डरलेस डिस्प्ले, SPO2 ट्रैकिंग, 60 स्पोर्ट्स मोड्स, IP68 रेटिंग, 100 क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस, ये अभी मिल रहे हैं आपको Amazon पर 1599 में। अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी काम की डील की बात करें तो किसी को अंडर 30,000 रुपीज में 5G फोन चाहिए तो फ्लिपकार्ट के बिग दिवाली सेल में Xiaomi का 11i 5G फोन मिल रहा है। उसकी नॉर्मल प्राइस है 31,999 रुपीज, बट अभी आपको मिल जाएगा 26,999 रुपीज में और अगर कार्ड ऑफर्स को मिला के आपको मिल जाएगा वो 2,349 में। सबसे बेटर डील है, अगर किसी को जरूरत है 5G फोन की अंडर 30,000 रुपीज में तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।